नमस्कार। जिस समय इस्लामिक आंधी ने भारत में प्रवेश किया, उस समय उत्तर भारत के ही समान दक्षिण भारत में भी प्रमुख राजवंश आपसी संघर्ष में ही अपनी शक्ति नष्ट कर रहे थे। इतिहास का अध्ययन हमें दो प्रकार से लाभ पहुंचाता है। एक तो यह कि हमारी खूबियों की जानकारी हमारे आत्मगौरव को बढ़ाकर हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है, तो दूसरी हमारी कमियों को जानकर हम सचेत होते हैं। तो आइए इसी भाव से हम दक्षिण भारत के इतिहास पर भी नज़र दौड़ाएं। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल जी ने अपनी पुस्तक इतिहास प्रवेश में लिखा है कि ब्रजभूमि में रहने वाली पांडु नामक जाति की एक शाखा ने सुदूर दक्षिण में जाकर एक नई मथुरा बसाई, जो बाद में मदुरा और अब मदुरई कहलाती है। वह नया राज्य पांड्य कहलाया। पांड्य के पश्चिमी समुद्र तट पर चेर और उत्तर दिशा में चोल राज्य थे। जिस चालुक्य राज तैलब का वर्णन हम मालवाधिपति मुंज व भोज के कथानकों में कर चुके हैं, उसके बेटे सत्याश्रय को चोल नरेश राजराज ने बुरी तरह पराजित किया। राजराज चोल ने चोल शक्ति को बहुत बढ़ाया। बेंगी के चालुक्य राजा विमलादित्य ने चोल सम्राट राजराज की अधीनता स्वीकार कर ली, तो राजराज ने भी अपनी पुत्री के साथ उनका विवाह कर उन्हें अपना परम सहायक बना लिया और इस प्रकार अपनी उत्तरी सीमा सुरक्षित कर ली। अगली तीन पीढ़ियों तक वेंगी के राजाओं का विवाह चोल वंश में ही होता रहा और इन दोनों राजवंशों में बहुत अधिक घनिष्ठता हो गई। यहाँ तक जब चोल राजा अधिराजेंद्र संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हुए, तो बेंगी के तत्कालीन राजा राजेंद्र कुलोत्तुंग ने ही 1070 ईस्वी में चोल राज्य के सत्ता सूत्र संभाले, क्योंकि वह भी चोल राजकुमारी का ही पुत्र था। इसके बाद राजेंद्र कुलोत्तुंग के ही वंशज अगली दो सदी तक इन दोनों राज्यों पर शासन करते रहे। यह तो हुआ सारांश, आइए इसे थोड़ा विस्तार देते हैं। चोल वंश का उत्कर्ष 864 ईस्वी में राजा विजयालय के समय में हुआ। उसके पूर्व उसकी स्थिति पल्लव वंश के सामंत जैसी थी, किंतु विजयालय ने तंजावुर उपाख्य तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र सत्ता कायम की। उनके शरीर पर बने 96 घावों के निशान उनके शौर्य का बखान स्वयं करते थे। तंजावुर नगरी का निशुंब सूदनी मंदिर विख्यात है। विजयालय के पुत्र आदित्य भी अपने पिता के समान ही प्रतापी निकले और उन्होंने तो पल्लव राजा अपराजित वर्मा को पराजित कर कांची पर भी कब्जा कर लिया। उनके बाद परांतक प्रथम ने भी अपनी शक्ति और बढ़ाई तथा पांड्य राज को भी जीतकर उनकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन उनकी जीत की खुशी अधूरी ही रह गई, क्योंकि पांड्य राजा अपने कुछ दैवी आभूषण व राज मुकुट लेकर पलायन कर गए। इन आभूषणों की प्रशंसा कवियों ने कुछ इस प्रकार की है। पांड्य राजा के वक्ष पर स्थित कवच और चंदन के लेप से चित्रित मोतियों से गुथा एक हार उन्हें देवराज इंद्र के समान शोभायमान करता है। उन दैवी आभूषणों को लेकर दंतकथाएं भी प्रचलित थीं। आइए वह भी सुनते हैं, देखते हैं। प्राचीन काल में राजा मलयात्तु वचन और उनकी पत्नी कांचनी को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ की अग्नि से उन्हें एक 3 वर्षीय कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप प्रतीत होती थी। उस महादेवी के 3 स्तन थे। राजा ने उनका नाम तताकई रखा और अपने राजकाज को करने लगे। कालांतर में यह देवी भगवान शिव से प्रेम करने लगी और इसके साथ ही उनका 3रा स्तन भी लुप्त हो गया।
भगवान शिव से विवाह के बाद उन्हें मीनाक्षी नाम से जाना गया और भगवान शिव भी सुंदरेश्वर के नाम से विख्यात हुए। इस दैवीय दंपत्ति से उक्किरा पंड्या उत्पन्न हुए, जिन्हें भगवान मुरुगा के नाम से जाना जाता है। बड़े होने पर उनका विवाह राजकुमारी कांतिमती के साथ हुआ। इस विवाह के बाद भगवान सुंदरेश्वर ने अपने पुत्र से कहा कि इंद्र, वरुण और मेरु पर्वत हमारे शत्रु हैं। मैं तुम्हें 3 शस्त्र देता हूँ, इन्हें ठीक से उपयोग करना। इंद्रदेव के लिए 1 चक्र, समुद्र के लिए 1 भाला और मेरु पर्वत को दबाने के लिए 1 गदा। उक्किरा पंड्या के दौर में एक बार भीषण अकाल पड़ा। चोल, चेर और पांड्य राजा ऋषि अगस्त्य की सलाह मानकर समुद्र के राजा इंद्र के पास प्रार्थना करने गए ताकि वह वर्षा के बादलों को मुक्त कर दें। चेर और चोल नरेशों ने तो देवराज इंद्र द्वारा इंगित किए गए नीचे आसन विनयपूर्वक स्वीकार कर लिए, किंतु पांड्य राजा इंद्र के साथ ही जाकर बैठ गए। चेर और चोल राजाओं ने बहुमूल्य भेंट देकर इंद्र से वर्षा के लिए आग्रह किया। इंद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। उक्किरा पंड्या ने इंद्र से कुछ नहीं मांगा, पर इंद्र ने उन्हें 1 कवच दिया। उद्देश्य यह था कि आए हुए अतिथि को भेंट भी दिखाई दे और उन्हें नीचा भी दिखाया जा सके, क्योंकि यह कवच धारण करने के प्रयत्न में कई पर्वताकार स्कंधे असमर्थ रहे थे, किंतु उक्किरा पंड्या ने आसानी से उसे धारण कर लिया और इंद्र के साथ खड़े होकर वे इंद्र के समान ही शोभा पाने लगे। कुढ़े हुए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा नहीं होने दी। इस पर पांड्य राजा ने उदिगई मलाई जाकर इंद्र के सभी बादलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्वाभाविक ही उसके बाद इंद्र और पांड्य का संग्राम हुआ, किंतु पिता द्वारा दिए गए चक्र से पांड्य ने इंद्र का मुकुट तोड़ दिया और उनकी सेना को भी भारी क्षति पहुंचाई। पराजित होने के बाद विवश होकर इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा करवाई। इस गाथा को पढ़ सुनकर हम समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में प्रचलित पौराणिक गाथाओं और दक्षिण भारत की गाथाओं में बहुत कुछ साम्य है। अंतर भले ही दिखाई दे, किंतु उनके मूल भाव समान ही हैं। इस गाथा को हम शिव, पार्वती और कार्तिकेय का दक्षिण भारतीय रूपांतर कह सकते हैं। जिस प्रकार पांड्य राजा स्वयं को शिव के पुत्र मानते थे, उसी प्रकार चोल राजा स्वयं को महाराज शिवी के वंशज मानते थे, जिन्होंने शरण में आए एक कबूतर को एक बाज से बचाने के लिए स्वयं के शरीर का मांस बाज को खिलाया था। किंतु पांड्य के दैवीय आभूषण की गाथा पांड्य को वैशिष्ट्य प्रदान करती थी। आभूषणों से संबंधित आख्यान पर कोई भले ही विश्वास करे न करे, किंतु प्रतापी और ऐश्वर्यवान पांड्य राजागण वंशानुगत उन्हें धारण करते थे, इसे माना जा सकता है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि झगड़े की जड़ 3, जरजोरू जमीन। तो शुरू हो गया संग्राम उन आभूषणों की खातिर, और उन्हें प्राप्त करने के लिए चोल राजा परांतक ने पांड्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पांड्य राजा ने अपने मित्र सिंघल नरेश के पास वे आभूषण सुरक्षित रखकर स्वयं चेरी राज्य में शरण ले ली। परांतक ने सिंघल द्वीप पर भी आक्रमण किया, किंतु उनकी नौसेना इतनी सक्षम और समर्थ नहीं थी, अतः उन्हें सफलता नहीं मिली। सिंघल से आप समझ ही गए होंगे कि आज का श्रीलंका। परांतक के समय से ही चोलों की शक्ति क्षीण होने लगी। जब उन्हें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने पराजित कर राजधानी तंजापुर पर भी अधिकार कर लिया, इस युद्ध में परांतक के पुत्र राजादित्य ने भी वीरगति पाई। इसके आगे की कहानी अगले अंक में। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।